भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नरसिंह रुंडा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, आज यहां उत्सव का माहौल है। ये उत्सव कोई आम उत्सव नहीं, उत्सव है प्रदेश के प्रथम पूर्ण कोविड टीकाकृत ग्राम होने की खुशी का, और इसके पीछे संघर्ष से सफलता की एक बड़ी कहानी है। प्रदेश के जनजातीय बहुल जिले झाबुआ के इस गांव के लिए पात्र नागरिकों का 100% टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती थी। यहां के अधिकांश लोगों में कोविड के टीके को लेकर डर और भ्रांतियां फैली हुई थी। ऐसे बोलते कि टीका लगाएंगे तो 3 महीने होते वो मर जाएंगे, ऐसा बताते। तो फिर हमने बताया कि हम तो नहीं मरे, 3 महीने हमारे हो गए तो तुम का मर जाओगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि गांव जाकर एक भी टीका लगाए बिना कर्मचारियों की टीम को अपमानित होकर लौटना पड़ा। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रशासन और ग्राम आपदा प्रबंधन समिति ने हार नहीं मानी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जन भागीदारी का मॉडल प्रस्तुत करते हुए पूरी टीम ने अथक प्रयास किया। ये वैक्सीन केवल वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। ये लगाई मतलब आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित कर ली। आपकी ये जिंदगी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। वो जिंदगी के इस डोज को फ्री में दे रहे हैं। अब जब देने वाले फ्री में दे रहे हैं तो लगवाने वाले बहन और भाइयों, आप क्यों देर कर रहे हो? हम संकल्प लेते हैं कि ग्राम की आपदा प्रबंधन समिति की टीम ने दृढ़ संकल्प लिया एवं 100% टीकाकरण के प्रयास में लगातार जुटी रही। चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले ग्राम में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को टीका लगाया गया, जिससे ग्रामवासियों के मन में विश्वास आया और उनका डर दूर हुआ। कोई बोलते हैं कि महिला लगाएगी तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, इस टाइप की भ्रांतियां फैलाए। हम गांव-गांव में, मैं, आशा दीदी और आंगनवाड़ी मैडम वगैरह, हम गांव-गांव हमारे मोहल्ले में घूमते थे। जागरूक कार्यकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाइश दी गई। लगातार खाटला बैठकें की गई, लोगों से सीधा संवाद किया गया। साथिया वॉलंटियर्स द्वारा घर घर जाकर लोगों को टीके के लिए आमंत्रित करते हुए पारंपरिक रूप से पीले चावल दिए गए और विश्वास दिलाया गया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित और आवश्यक है। कोई लोग कहते कि मर जाते, इसलिए हमने टीका पहले नहीं लगवाया था। फिर मैडम की बात हमने सुनी, फिर हम जाए टीका लगवाए। जागरूक मोबिलाइजर्स द्वारा भी पात्र नागरिकों को टीका केंद्र पर ले जाकर टीके लगवाए गए। टीम के निरंतर प्रयासों से जून 2021 के प्रथम सप्ताह में कोविड वैक्सीन के प्रथम डोज का टीकाकरण 100% पूर्ण हो गया। हमारा टीका लगे मध्य के धन्यवाद। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 12 सितंबर 2021 तक नरसिंह रुंडा में सभी पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग गए और ये जनजातीय बाहुल्य ग्राम मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण टीकाकृत ग्राम बन गया। आज मध्य प्रदेश प्रथम डोज के टीकाकरण में देश में अग्रणी है। मध्य प्रदेश शीघ्र ही प्रदेशवासियों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाकर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।